Take a deep breath in and deep breath out. Breathe in and breathe out. Feel calm. And then start with three Om chants. Breathe in. आंखें बंद रखेंगे, अभी गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे. एंड स्माइल ऑन योर फेस एंड फील रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स. एंड स्लोली स्लोली ओपन योर आईज. धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, धीरे धीरे धीरे. देन स्टैंड अप, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे. और सबसे पहले क्या करना है? Very good. No. Three step forward and then three step back. बेटा पीछे चलना बहुत जरूरी है. पीछे देख के नहीं चलना, इमेजिनेशन. मैंने बताया था ना, फील करना है. Three step back and three step forward. Step back. Three step forward. Arm side. Vibrate your arms. Then up. Up. Both arms raise करो बेटा. Then front and full body vibrate करो. तो start किसके साथ करेंगे? Sun salutation. याद है आपको? कितने steps हैं? Are you ready? बहुत बढ़िया. चलिए मैट की कहाँ है starting point पर. आज थोड़ा मंत्रा को म्यूजिक के साथ करेंगे, फॉलो करेंगे आप उसी के साथ. सबसे पहले गहरी सांस लें एंड गहरी सांस छोड़ें. ब्रेद इन एंड ब्रेद आउट. देन स्टार्ट विद मंत्रा. अभी भी कुछ स्टेप्स थोड़े एक साथ नहीं आ रहे थे, अभी मैं काउंट करके बोल के करेंगे, देन फिर म्यूजिक के साथ फॉलो करेंगे. रेडी? अभी लेफ्ट लेग से हो गया, सेम करेंगे आप अपने राइट लेग से. देन स्टार्ट विद कम्स इन नमस्कार मुद्रा. देन फर्स्ट मंत्रा इज ओम मित्राय नमः. देन बैक जाएंगे दोनों आर्म्स के साथ स्ट्रेच करते हुए. देन सेकंड मंत्रा इज ओम रविये नमः. देन वाइल एक्सहेलिंग स्लोली डाउन. देन थर्ड मंत्र इज ओम सूर्याय नमः. देन पाम फ्लोर से टच एंड राइट लेग बैक. ओम भानवे नमः. देन फ्रंट लेग भी बैक ले जाएंगे, हिप अप ले जाएंगे. ओम नीच को देखेंगे बेटा. ओम खगाय नमः.
The Nishta Chesta Chipa Om Pushne Namaha. Then hips down and face up, comes in Bhujangasana. Om Hiranyagarbhaya Namaha. वापिस अधो मुख सवासन में आएंगे, टोच पे हैं, हिप्स अप, हिप्स अप बेटा, नीज को देखेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे इसी अवस्था में. ओम मारीचाय नमः. देन हिप्स डाउन एंड राइट लेग को दोनों आर्म्स के बीच में लाएं. ओम आदित्याय नमः. देन लेफ्ट लेग को फ्रंट लाएं, टोच टच करें. ओम सावित्रे नमः. एंड से इनहेल करते दोनों पाम्स को फिर से बैक ले जाएं. ओम अर्काय नमः. देन कम्स इन नमस्कार मुद्रा दैट सेज ओम भास्कराय नमः. तो एक बार लेफ्ट एक बार राइट, ये कंप्लीट आपका एक हो गया. ठीक है, अब इसी को रिपीट करेंगे एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से विद म्यूजिक के साथ. रेडी, चलो थोड़ा सा ब्रीदिंग कर लो. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. देन स्टार्ट विद म्यूजिक. बहुत अच्छे. बहुत बढ़िया. तो दो स्टेप हो गए, आज तीन करेंगे पूरे. बेटा जब लास्ट वाला जब खत्म हो ना भास्कराय नमः, देन भास्कराय नमः पे आपको एंड आ जाना है. देन अगेन वो जब कहेगा ओम मित्राय नमः कम्स इन नमस्कार मुद्रा. ठीक है, बाकी बहुत अच्छा फॉर्मेशन आ रहा है. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी. अगेन डीप ब्रीदिंग, ब्रीद इन ब्रीद आउट. मिनिमम हेल्थ के लिए बेटा कम से कम तीन सेट. कितने सेट? मिनिमम थ्री सेट्स. जब अच्छा अभ्यास हो जाए तो कितने? सिक्स. जब बहुत ही अच्छा करना हो तो 12. कितने सेट? 12. ये 1 मिनट का जो हमारा म्यूजिक है वो 1 मिनट पे एक सेट होता है. ठीक है, रेडी स्टार्ट अगेन. बेटा एक साथ सभी. Oh,
बहुत अच्छे। एंड लास्ट मंत्र है ओम ओम श्री सावित्रु सूर्य नारायणे नमः। बहुत बढ़िया। जब तीन हो जाए आपके पास टाइम कम हो तो सीधे इसके बाद शवासन में जाना है, लेट जाएंगे। बेटा फेस मेरी तरफ, पैर मेरे अपोजिट साइड, गोइंग टू शवासना एंड रिलैक्स योर सेल्फ। क्लोज योर आइज, आप कर सकते हो बेटा। एंड क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, थोड़ा पैरों में गैप, आर्म्स को एक से थोड़ा दूर रखेंगे, पाम अपवर्ड। बेटा श्वासन मिस लाइक अ डेड बॉडी, जस्ट फील योर ब्रीदिंग ओनली। कभी भी एग्जॉस्टिव सेशन करें तो सीधे श्वासन में जाना है। बेटा पैरों में गैप रखो 6-7 इंच। हील इनसाइड एंड टोज आउटसाइड, रिलैक्स योर सेल्फ। बेटा मूवमेंट्स मत करो, फील करो, सन को पढ़ने दो आपकी स्किन पर। सबसे ज्यादा विटामिन डी इसी टाइम मिलता है आपको, वेदर भी बहुत अच्छा है। जस्ट फील, अभी 3 सेट्स जो किए हैं सन सेल्यूटेशन को, फील करो बॉडी के अंदर क्या क्या इफेक्ट हुए। जस्ट फील सेट एंड द नेक्स्ट आसना करेंगे अर्ध हलासन, इट्स गुड फॉर योर डाइजेशन एंड एब्डोमेन मसल्स। देन जॉइन योर लेग्स, दोनों पैरों को जॉइन करें, आर्म्स को हिप के पास लाएं, पाम फेसिंग डाउनवर्ड एंड देन स्लोली स्लोली रेज योर बोथ लेग अप टू 10 डिग्री। 10 डिग्री पर उठाए बेटा, 10 एकदम 90 पे ले गए। देन सेकेंड इज 20, 30, हिप नहीं उठाएंगे, 40, 50, 60, 70, 80 एंड लास्ट 90 पर होल्ड करेंगे। टोज पॉइंटेड, नी शुड बी स्ट्रेट एंड इट्स गुड फॉर योर बैली मसल्स एंड डाइजेशन। एंड जिसको वेरिकोज वेंस की समस्या उनके लिए बहुत अच्छा है। बेटा थोड़ी देर होल्ड करेंगे, एटलीस्ट 10 वाइब्रेशन फील करें अपने बैली मसल्स पर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 देन कम्स इन 80 डिग्री, एकदम से डाउन नहीं बेटा। 60, 50, 40, 30, 20, 10 एंड रिलैक्स इन शवासना, रिलैक्स इट। बेटा कोई और नया आसन मत करो, देखो कोई भी आसन करना उसका विपरीत भी करना होता है। अभी देख रहा हूं मैं सर्वांगासन में जा रहे हैं, फिर सर्वांगासन का विपरीत कौन सा आसन है, मयूरासन, वो करोगे नहीं आप बेटा, उल्टा इफेक्ट भी हो जाता है आसन करने से। वही आसन करो जिसका रिपीट भी आपको पता हो उसके विपरीत क्या करना है, जस्ट उसके अपोजिट। देन टर्न करेंगे, लेफ्ट साइड टर्न ले और पेट के बल लेटेंगे मकरासन में, लेफ्ट आर्म नीचे राइट आप, दोनों पैरों में गैप रखेंगे, हील इनसाइड एंड टोज आउटसाइड, फ्लोर से टच करेंगे दोनों पैरों को। कल जो की थी ना प्लैंक पोज, देन प्लैंक के लिए आएंगे, फोर आर्म पे आए अपने, फोर आर्म पे आओ, अपर पार्ट को उठो बेटा, फोर आर्म पे आ गए, इधर करो फेस आप बेटे, सब इधर करो, जो स्टेज पे है फेस इधर रखो, चेंज करो फेस इधर करो उठ के। वेरी गुड, रेडी, चलो टोज पे उठेंगे, 1, 2, 3 स्टार्ट, ओनली 20 सेकंड होल्ड करेंगे, फोर आर्म पे उठना बेटा, स्टार्ट स्टार्ट, हिप को ज्यादा रेज नहीं करना अपने शोल्डर लेवल से। लास्ट 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 then slowly down, 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 down.
रिलैक्स करो, बातें नहीं बातें नहीं। हार्ट बीट को फील करो बेटा, फील योर हार्ट बीट, तेज हो रही है, तेज हो रही है। रिलैक्स, रिलैक्स योर सेल्फ, रिलैक्स इट। नहीं पूरा नहीं हो गया। अब धीरे से बेटा दोनों पैर ज्वाइन करेंगे, अगेन दोनों पैर ज्वाइन करें, दोनों आर्म्स को चेस्ट के पास लाएं, फोल्ड करके पाम फ्लोर से टच, पाम फ्लोर से टच एंड एल्बो शरीर से टच रखिए बिल्कुल। धीरे धीरे उठाएंगे अप टू नेवल पॉइंट, अप टू नेवल पॉइंट बेटा, आर्म्स चेस्ट के पास, यहां उठो, वो दूसरे डाउन अप टू नेवल पर, ये इतना उठना है आपको, नेवल टच रहेगी आपके शरीर से, इट्स योर नेवल टच, चेस्ट के पास आर्म्स को ऐसे फ्लोर से टच रखना है बेटा। लग रहा है इजी, लेकिन भुजंगासन आपके बैक के लिए बहुत अच्छा है, बैक स्ट्रेंथ खासकर आपके पेट पर भी स्ट्रेंथ देगा। होल्ड करो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 then relax in Makarasana. Relax it, relax it. Relax time, bilkul relax. Deep breathing. Then धीरे से left side turn लेंगे और अपने स्थान पे बैठ जाएंगे सुखासन में। Left side turn लेते उठेंगे, face मेरी तरफ रख लें और सुखासन में आ जाएं। सुखासन में आ जाएंगे। मिडिल 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 मिडिल, क्या हुआ? इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अभी देख लो, मैं सर के पास भेज दूंगा, यहाँ बैठो आगे, उस पर बैठ जाओ, दोनों इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ बेटा। बात है नहीं, फेस का आर्म एंड लुक फ्रंट, पाम अपवर्ड रखो, पाम अप। मुद्रा याद है ना, मैंने बताया था फाइव एलिमेंट्स, सबको याद है? फर्स्ट वन फायर, फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज वायु एयर, बहुत बढ़िया। थर्ड वन इज बेटा याद रखो, यही फाइव एलिमेंट्स आपके लिए जरूरी है, आकाश स्पेस। फोर्थ वन इज पृथ्वी मुद्रा, कौन सी? पृथ्वी अर्थ। एंड लास्ट वन इज वॉटर, जल। इस गर्मी में कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा जरूरी है? जल मुद्रा तो जरूरी है, उसके पहले पृथ्वी मुद्रा, कौन सी मुद्रा? देन फायर, फायर एनर्जी का सोर्स क्या है आपकी? सन, सन से क्या मिलती है? ऊर्जा, गर्मी। तो जिसको ये जो आपका थंब है, ये सूर्य को इंडिकेट करता है, इसकी टिप को लगा दो रिंग फिंगर की टिप से, दैट्स कॉल्ड इज पृथ्वी मुद्रा। कौन सी मुद्रा? इस गर्मी के मौसम में बहुत अच्छे बेटा, कामनेस लाने के लिए। कितनी मिनट करनी है? 5 मिनट। देन सेकेंड वन इज जल मुद्रा, लास्ट फिंगर से कनेक्ट कर लोगे टिप को, तो कौन सी मुद्रा बनेगी? कल मैंने एक और मुद्रा बताई थी, कौन सी? हामसी मुद्रा। कौन सी मुद्रा याद है आपको? ऐसे रखो पाम को सामने की तरफ। बेटा मुद्रा बहुत जरूरी है, एनर्जी का मेन सोर्स आपको कनेक्ट करेगी आपके फाइव एलिमेंट से, यही फाइव एलिमेंट्स का खेल है बॉडी के अंदर। ऐसे रखो पाम को सामने की तरफ, अपनी लास्ट फिंगर को स्ट्रेट रखना है, बाकी तीन फिंगर्स की टिप को थंब की टिप से लगा दो ऐसे। कैसे? नहीं नहीं, स्टार्टिंग की थ्री फिंगर जो है आपकी, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, इसकी टिप को थंब की टिप से लगा दो। और कभी भी पाम को डाउनवर्ड नहीं रखना, फेस ही जाओ एंड नॉर्मल बैठ जाओ थोड़ी देर। हास्य मुद्रा बेटा, हाँ वेरी गुड, इसको हास्य मुद्रा भी बोलते हैं। हंसने से क्या, वैसे भी काम हो जाओगे आप, टेंशन रिमूव हो जाएगी। करना कितनी देर है? मिनिमम 5 मिनट्स। वेरी गुड, पाम हमेशा सपोर्ट रखना है। एंड देन नेक्स्ट वन, आपको पता ही ना चले कि बॉडी में किस तत्व की कमी है, किस तत्व की प्रधानता है, उसके लिए सबसे अच्छी मुद्रा कौन सी है? हाकनी मुद्रा। अपनी जो थंब की टिप है, थंब की टिप से, इंडेक्स फिंगर की टिप, इंडेक्स फिंगर से, ऐसे सबकी टिप अपनी ए टू जेड पर लगा दो ऐसे, दैट्स कॉल्ड इज हाकनी मुद्रा। तो किसी की अधिकता होगी तत्व की तो उसको बैलेंस कर देगी, जिसकी कमी होगी उसको भी बैलेंस कर देगी, फाइव एलिमेंट्स को। हाँ वेरी गुड, नॉर्मल बैठ जाओ इसमें, नॉर्मल बैठो बेटा। अगेन फील योर ब्रीदिंग, हाकनी मुद्रा करेंगे सभी। गहरी श्वास लें और गहरी श्वास छोड़ दें,
Feel your breathing. Deep breathe in. And deep breathe out. Breathe in. And breathe out. सबको लंबा जीना है ना, तो श्वास कैसे लेनी? योगी की तरह। किसकी तरह? योगी कितने सांस लेते हैं? 10 to 12। जस्ट फील करो एक मिनट के लिए कितने श्वास ले रहे हैं। चलो काउंट इट, मैं पूछूंगा अभी एक मिनट बाद। क्लोज योर आईज, गिनने दो घंटे, ध्यान मत दो किसी चीज पे, आंखें बंद। एक श्वास का मतलब है इनहेल एंड एक्सहेल, वो पूरा। फिर सेकंड ऐसे ही। एक मिनट में कितने काउंट करोगे? मैं टाइम लगा देता हूं आपका। क्लोज योर आईज एंड फील करनी आपको। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, बेटा बातें नहीं करेंगे। ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। देन योर टाइम स्टार्ट नाउ। काउंट करना है एक मिनट तक। जितना लंबा गहरा श्वास लेते हैं, लंबा गहरा श्वास लेने की कोशिश करें। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 15 सेकेंड। देन स्टॉप। काउंट किया? कितनी सांस है एक मिनट में? 10 कर लिया आपने? सच बोल रहे हो? 15 किसकी आई रे जो राम? 15 15। 20 20 है किसी की? 20 भी ले ली। 30 किसी की? 30 30 भी है। इतनी 33 सांस है। 25 25 भी है। 20, then 18, 18 कितनों की है? 15, 12, then 10 कितनी की है? मैक्सिमम के तो हाथ नहीं उठ रहे, काउंट नहीं की क्या? बेटा इट्स गुड फॉर योर, आपकी जो एज है 14 टू 16, कितनी? जब अभ्यास अच्छा हो गया तो उसको कोशिश करनी है आपको 10 टू 12 लाने की। 30 इज नॉट गुड, 20 इज नॉट गुड, 7 भी की है, बहुत अच्छा। ज्यादा ध्यान लगाएंगे, 6 भी आई है, 6 इज मोर गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही आपको फील करना है कभी कभी। आंखें बंद कर ले और फील करें एक मिनट में कितनी श्वास ले रहे हैं। घर पे जाके आज अभ्यास करना, बताना मत पापा मम्मी को। एक मिनट का टाइम लगाना उनकी, काउंट करना आप आंखें बंद करा के। काउंट करेंगे? काउंट करेंगे? ये काउंट नहीं करो, उनको बताए बिना भी एक मिनट का टाइम लगा लेना। उनको फील करना उनकी ब्रीदिंग, इनहेल जब एक्सहेल कर ले तो एक हो गई। एक मिनट में कितनी श्वास लेते हैं? करेंगे सभी ये वर्क आज? करेंगे? एक मिनट का स्टॉप वॉच लगा के काउंट करेंगे। चलो, मैंने दो प्राणायाम बताए आपको गर्मियों में, कौन सा? शीतली एंड शीतकारी। देन अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम का। इनहेल योर टीथ, होल्ड इट एटलीस्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। देन ब्रीथ आउट बाय बोथ नोस्ट्रिल। बेटा दांतों के द्वारा श्वास लेंगे से। देन होल्ड अगेन 5 4 3 2 1। देन ब्रीथ आउट बाय बोथ नोस्ट्रिल। देन थर्ड अगेन स्टार्ट, होल्ड इट 5 4 3 2 1। Then breathe out of both nostrils. The last one is again, hold it 5
four, three, two, one. Then relax it. Then एक मुद्रा बताइए, जब कभी low feel होने लगे किसी चीज़ मन, कौन सी मुद्रा लेनी है? चलो सभी temple मुद्रा लो. Take a temple मुद्रा. और कहाँ रखना है? या सिर पर या बिल्कुल straight. Back सीधा करो. And close your eyes. Feel again 30 second. Feel your breath. Breath in and breathe out. Smile on your face. But it's good for your shoulders and upper arm and खासकर आपके lungs. जब arms up होते हैं तो आपकी तरफ आपकी ये जो ऑक्सीजन है ना वो ब्रेन की तरफ जाएगी. ब्रेन की तरफ जितनी जाएगी उतनी आपकी न्यूरॉन्स डेवलप होंगी. न्यूरॉन्स इज द नर्व्स ऑफ ब्रेन. ब्रेन की जो सेल्स है वो कौन सी है? न्यूरॉन. न्यूरॉन जितना एक्टिव होगा उतना ब्रेन एक्टिव होगा आपका. बेटा आंखें बंद रखनी है, स्माइल रखनी है फेस पर. स्माइल ऑन योर फेस. Feel your breathing. Last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Then slowly, slowly arms down lying. Dheere, dheere, dheere. And relax yourself. रिलैक्स योर सेल्फ. खाना खाने के बाद कौन सा आसन करना है? कौन सा आसन? चलो सभी वज्रासन में आओ. बेटा आपको घर में सुनने को मिलेगा एक थायराइड होती है. थायराइड, थायराइड होते ना, आजकल बहुत लोगों को थायराइड हो चुका है. जो रिपोर्ट्स आई हैं फीमेल्स जो हैं WHO के द्वारा 70% फीमेल्स को क्या है, थायराइड की बीमारी है. उसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा आसन कौन सा है? सिंहासना. कौन सा आसन? सिंहासना. कह रहे थे ना मैंने सिंहासन, लायन पोज. उसके लिए आर्म्स को डाउनवर्ड लाओ. नीज में बैठो, गैप लो थोड़ा. नीज में गैप लो. आर्म्स इनसाइड लाएंगे. देन वॉइस के साथ जीभ पूरी बाहर निकलेगी. आंखें बिल्कुल जैसे घूरते हैं लायन को देखा है ना आपको. जैसे अगेन रेडी स्टार्ट. लायन वाला, कैट वाला पोज नहीं करना. बिल्ली वाला पोज नहीं कहा मैंने. कौन सा? लायन वाला. रेडी स्टार्ट. बेटा जीभ पूरी बाहर, जीभ बाहर ऐसे. श्वास भरते हो, श्वास छोड़ते हो करना है. स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट. आंखें तो खोलो. आंखें बंद करके करोगे तो सामने वाला खा जाएगा आपको. जस्ट फील करना है. शेरों में शेर कौन सा है? बब्बर शेर. देखा है ना बब्बर शेर? देखा है? नहीं देखा. बिल्कुल एकदम पूरी आंखें खोल के सामने. कम से कम कितनी बार करना है? 5 बार. कितनी बार? जो ये आपकी वॉइस बेटा उसको पतला करने का भी काम करता है. और खासकर जिनको खराश रहती है गले में, खांसी ज्यादा रहती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है. कौन सा आसन? सिंहासन. रेडी वन सेकेंड. फिर से एक बार करेंगे. वेरी गुड. देन कम्स इन सुखासना ऑल्सो. सुखासन में आ जाएंगे. देन करेंगे एनर्जाइजर. याद है आपको? याद है? बैठे बैठे कंफर्टेबल पोज में. पहले कंफर्टेबल पोज में कब यूज करते हैं एनर्जाइजर का? जब एनर्जी लो लगे, पढ़ने मनने लगे, क्लास डिस्ट्रक्शन हो रही हो, उसको एंगेज करने के लिए, वापस उसका बूस्ट करने के लिए. किसको? एनर्जी को. रेडी स्टार्ट. कितना बड़ा बाहर? दोनों हाथ में डाप फैला के पूरा. कितना बड़ा पहाड़? कितना बड़ा पहाड़? पहाड़ पर, पहाड़ पर, पहाड़ पर, पेड़ पर, पेड़ पर, पेड़ पर, टहनियों पर, टहनियों पर, टहनियों पर, पत्ते पे. अच्छा सर, मैं तो इनको ना
दो पोज जैसे सिटिंग के करा दो, दो स्टैंडिंग के करा दो, जैसे पद्मासन में बैठ के, फिर दो कोई भी वो प्राणायाम करा दो, अनुलोम विलोम, कपाल भाती। अच्छा अच्छा, बस एक सेकंड ये वाला करा दो, एक साथ करेंगे ना तो अच्छा आएगा। हां अच्छा, पहाड़ पर पेड़ पर टहनियों पर पत्ते पर घोंसले में चिड़िया के बच्चों की चोंच में क्या था संदेश में क्या लिखा था हो गई एनर्जी बूस्ट हो गई। हे पेप हे हाउ द जोश देन स्टैंड अप। वेरी गुड बेटा, देखो उनको वेबसाइट के लिए आपके पोज चाहिए, एकदम एक्यूरेट करनी है, ठीक है? फेस पर काम रखना है, स्ट्रेट रखना है, तो बिल्कुल एकदम होल्ड करेंगे। आप सभी का ब्याज अच्छा हो गया, रेगुलर कर रहे हो 10 डेज से, ठीक है? स्माइल जरूर रखनी बेटा। देन हाइट बढ़ाएंगे लिए कौन सा आसन? सभी ताड़ासन के लिए आएंगे, होल्ड करेंगे 15 सेकंड। ताड़ासन बेटा, वृक्षासन कर रहे हो सामने, ताड़ासन दोनों पैरों पर बेटा, लेग्स डाउन, टोज पे आओ सभी, दोनों आर्म्स आप इंटरलॉक करते हुए स्ट्रेच योर बॉडी आप एंड लुक फ्रंट बेटा, स्माइल ऑन योर फेस, इसी अवस्था को बनाओ। लास्ट 10 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 देन स्लोली डाउन धीरे 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 रिलैक्स करेंगे, गहरी श्वास लेंगे और गहरी श्वास छोड़ देंगे, देन नेक्स्ट वन करेंगे थ्री पोज इज गुड फॉर बैलेंस। फर्स्ट बेटा सभी लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट पे बैलेंस बनाएंगे, कौन से पैर पे बैलेंस बनाना है? राइट लेग पे, लेफ्ट फोल्ड करेंगे, चलो दोनों आर्म्स आप बेटा नमस्कार मुद्रा में रखेंगे सभी आर्म्स। सभी नमस्कार मुद्रा में आएंगे, नमस्कार मुद्रा, दोनों हाथ जोड़ने वाली जो अवस्था है बेटा, बैलेंस बनाओ हाथ सीधे स्ट्रेट एकदम, स्माइल ऑन योर फेस, बैलेंस इट लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 देख रहे हैं बैलेंस किस तरह बिगड़ रहा है। इस आसन से क्या होता है बेटा, बैलेंस आती है, कॉन्सेंट्रेशन एक जगह रुकता है। अब अभ्यास करेंगे ना डेली 10 सेकंड, मैंने अभी कहा है आपको मिनिमम इसको बढ़ा के करना है 30 सेकंड से 1 मिनट, कितना डेली करेंगे। देन नेक्स्ट करेंगे बेटा चेयर पोज, अपार्ट फीट बेटा, पहले पहले में गैप लो, हाफ फीट का गैप लो, दोनों आर्म सामने लाओ, पाम फेसिंग डाउनवर्ड एंड धीरे धीरे जैसे स्क्वाट से बैठते हैं चेयर पर बैठते हैं, बैक सीधा रखना है, सभी बैठने की कोशिश करेंगे चेयर पर, अपनी चेयर इमेजिनेशन करो, दोनों आर्म सामने बेटा, अभी से घुटने पर हाथ लगा दिया, सभी यंग बच्चे हो आप, अभी तो बोला जोश आई आपका, जोश डाउन हो गया, दोनों आर्म सामने, होल्ड दिस सेम पोजिशन एटलीस्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 then relax, up, धीरे से सभी वज्रासन में बैठेंगे बेटा, कम से वज्रासन, हील इनसाइड, हील को थोड़ा बाहर की तरफ उस पर हिप्स प्लेस करो, टोज मिला के रखो, बैक सीधी और ज्ञान मुद्रा लेंगे बेटा सभी को, कौन सी मुद्रा? ज्ञान मुद्रा, अपने इंडेक्स फिंगर की टिप को थंब की टिप से लगा दो, पाम को अपवर्ड रखो, बैक सीधी एंड क्लोज योर आईज, आंखें बंद
आंखें बंद और फेस पर स्माइल, फेस पर स्माइल। एक मिनट के लिए बिल्कुल आंखें बंद करके बैठ जाऊं बेटा। स्माइल ऑन योर फेस, वेरी गुड। जस्ट फील योर ब्रीदिंग, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Then relax बेटा, left leg straight करेंगे। Then right comes in Sukhasana। अच्छा कोबरा पोज। चलिए बेटा सभी पेट के बल लेटेंगे, फेस मेरी तरफ रखेंगे, पैर अपोजिट साइड। लेट जाओ बेटा पेट के बल। अभी भुजंगासन कराया था ना आपको, देन इज कॉल्ड कोबरा पोज। बेटा सभी पेट के बल लेटो। चलिए दोनों आर्म्स को फोल्ड करते हुए चेस्ट के पास लाएंगे, पाम को फ्लोर से टच करते हुए, एल्बो बेटा शरीर से ये चेस्ट के पास ले बेटा, यहाँ यहाँ साइड से, साइड 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 ऐसे, हाँ फिंगर की दिशा फेस की तरफ बेटा। अप टू नेवल पॉइंट, सभी उठेंगे अप टू नेवल पॉइंट बेटा। ऐसे पाम को ऐसे रखो, उठो नेवल पॉइंट तक, ऐसे वेरी गुड। ये अंदर की तरफ, या हाँ वेरी गुड बेटा। थोड़ा डाउन हो, डाउन डाउन डाउन, या ये डाउन करो, ये डाउन करो, नेवल टच बेटा, नेवल टच, इतना उठो नेवल टच। एल्बो बेटा अंदर की तरफ रखो, बाहर की तरफ जा रही है, एल्बो अंदर की तरफ, शरीर से टच। थोड़ी देर तो रुको जी सर, होल्ड इट, 10 सेकंड रुकेंगे इसी अवस्था में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, then laying down, laying down in Makarasana। प्लैंक पोज पे लेंगे, प्लैंक पोज पे बेटा, प्लैंक पोज करेंगे सभी, फोर आर्म पे लाना बेटा, हिप्स को ज्यादा ऊपर नहीं उठाना, शोल्डर लेवल पर रखना है बिल्कुल, न शोल्डर लेवल से अप न शोल्डर लेवल से डाउन बेटा। फोर आर्म पे आएंगे अपने, प्लैंक करेंगे सभी, रेडी 1, 2, 3 स्टार्ट अप, स्टार्ट अप बेटा, हिप नहीं उठाना ज्यादा, अप टू शोल्डर लेवल। लुक फ्रंट, इसी अवस्था में रुकेंगे बेटा, स्माइल रख के फेस पर, लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बेटा रिसर्चेज पढ़ा करो, रिसर्चेज के अनुसार 30 सेकंड इसका अभ्यास करने से हार्ट की समस्या 90% कम हो जाती है। कितने परसेंट कम हो जाती है? 90% हार्ट की समस्या आपकी इससे कम हो जाती है। अच्छा कल करेंगे, ठीक है। चलिए कम से कम सुखासन बेटा, सुखासन में आ जाओ सभी, एंड क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। कौन सी मुद्रा लेनी है? ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा इज गुड फॉर योर एट दिस स्टेज, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, ये नॉलेज के एनहांस करेगी आपके ब्रेन को, काम रखेगी बेटा। आंखें बंद, मैंने बताया ना ध्यान से ही साधोगे सब चीज, बिना ध्यान के नहीं मिलेगा। जस्ट फील योर ब्रीथ, और ध्यान करने का सर्वोत्तम तरीका, इससे अच्छा तरीका कोई नहीं, अपनी ब्रीदिंग पर अपना ध्यान लगा दो, सिर्फ फील करो अपनी ब्रीदिंग को, जस्ट फील। जब आप ब्रीथ करें, ब्रीथ लें, तो पेट बाहर की तरफ जाएगा, आगे की तरफ,
जब श्वास छोड़ेंगे तो पेट कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ, ठीक है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन करते हुए पेट बाहर की तरफ, ब्रीथ इन करते हुए पेट अंदर की तरफ। जस्ट फील द मूवमेंट्स ऑन योर एब्डोमेन, फील करो। आंखें बंद ही नहीं रख रहे अभी, आंखें बंद बेटा। फील अपने पेट को करना है, फील करो। बेटा पोस्चर बहुत जरूरी है, पोस्चर बहुत जरूरी है आपकी बॉडी का अलाइनमेंट। आजकल 30% लोगों को तो पोस्चर डिफर्मिटी है, पता चलता है ना इनका पोस्चर कितना बढ़िया। देखिए बैलेंस के बना पाते हैं उसमें ट्री पोज। हां ट्री पोज में बेटा 10 डेज से कर रहे हो आप, 10 सेकंड नहीं रोक पाए ट्री पोज में। पिछले 10 दिन से तो रेगुलर कर रहे हैं ना आप, तो स्टेबिलिटी देखो। स्टेबिलिटी कब आएगी? जब साधना सीखोगे अपने आप को एक जगह, एक पॉइंट पर। एक मिनट आप आंखें बंद नहीं कर पा रहे, जस्ट फील अपनी एनर्जी को बेटा, सही पॉइंट पर लगाओ, फील करो अपनी ब्रीदिंग को। सच कह रहा हूं, बहुत मैजिकल चेंजेस आपको बॉडी के अंदर लगने लगेंगे। सारी चीज आप शांति से साध सकते हो। 3 times ओम चैंट्स करेंगे डीप ब्रीथ के साथ, ब्रीद इन, एक वॉइस के साथ आंखें बंदी रखेंगे, आंखें बंदी रखेंगे। वेरी गुड। देन दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे अच्छे से, अच्छे से रब करें। गई क्या? रब करें अच्छे से, आंखों पे रखेंगे लाइट प्रेशर के साथ। देन सेकंड टाइम, सेकंड टाइम आंखों पे रखें। देन बेटा जब हाथ हटाएंगे तो बहुत धीरे धीरे आंखें खोलने। कितने सेकंड में? 10 to 15 seconds, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, धीरे धीरे धीरे। वेरी गुड। कैसे हैं आप सभी? एक वॉइस के साथ तेज। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं? दोनों हाथ सब करो। देन पूछू कैसे हैं सभी? बहुत अच्छे। कैसे हैं सभी? कैसे हैं? हाउ द जोस, हाउ द जोस, हाउ द जोस। दोनों हाथ सब, दोनों हाथ सब बेटा पीछे भी। हाउ द जोस, हाउ द जोस, हाउ द जोस। हे पेप, हे पेप, हे पेप, हे हे, हे हे। सब रोगों की एक दवाई, सब रोगों की एक दवाई, सब रोगों की एक दवाई। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, पक्का श्योर। थैंक यू। आपको योगा किसने सिखाया?